बहराइच जिले के विकासखंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर धोबिया स्थित बाबा बुढ़ेश्वर नाथ का प्राचीनतम और मनोकामना सिद्ध शिव मंदिर स्थित है, जहां अधिक मास के सोमवार पर इस मनोकामना सिद्ध शिव मंदिर में जलाभिषेक हेतु लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं व कांवड़ियों में जलाभिषेक व पूजन अर्चन करने की होड़ लग गई, जिससे कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रही। श्रावण माह में लगने वाले अधिक मास के सोमवार पर लाखों श्रद्धालुओं व कांवड़ियों की भीड़ बुढ़ेश्वर नाथ शिव मंदिर प्रांगण में देखने को मिलती है। मध्य रात्रि से ही लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक हेतु लंबी लाइन लगा दी। भारी मात्रा में महिला पुरुष पुलिस बल की तैनाती बनी रही। वहीं प्राचीनतम समय से ही इस मंदिर प्रांगण में श्रावण मास भर में मेले की छटा बनी रहती है। हजारों की संख्या में सैकड़ों टोलियों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बाजे गाजे के साथ आए श्रद्धालुओं व कांवड़ियों ने भगवान शिव को जल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रविवार की शाम से ही शिव मंदिर का पूरा क्षेत्र बोले बम बम व भगवान शिव के जयकारों से गूंजायमान रहा। रामपुर धवियाहार से ये इसी ग्राम सभा में बूढ़े सरनाथ बाबा हैं। मैं अपने ग्राम से ही बूढ़ेश्वर नाथ को परिक्रमा द्वारा जल चढ़ाने का प्रयास में लगे हैं हम भक्तों। अच्छा, तो लेट कर आए हैं? हाँ, लेट के हैं। कहाँ से? निजी निवास रामपुर धोबीहार से। लेट के जाएंगे जी? क्या मान्यता है मंदिर के संबंध में? अरे, बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ, बहुत सारे दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए अच्छे से पूर्ण होती हैं। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ जल लेकर आते हैं? बहुत काफ़ी दूर से, गिरजापुरी से और इधर लखीमपुर खीरी गोला, इधर लखनऊ तरफ से भी लोग आते हैं। कांवरियों की भीड़ उमड़ती है यहाँ? बहुत सारी भीड़ उमड़ती है। आज कितने लोग यहाँ लेट कर जल ले जा रहे हैं? है 16 लोग। 16 लोग हैं आपके गुरु में? मेरे साथ में। कोई मन्नत थी क्या? नहीं है, ऐसे चढ़ा रहे हैं हम लोग। श्रद्धावश। मंदिर संबंध में और कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं कहना चाहते, और तो सब भक्त जान ही रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।